हेलो दोस्तों, आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा वीडियो है। दो वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं, तो देखते हैं हमारा आज का वीडियो कि यदि किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज अक्स तथा इसी धन पर इसी दर से इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज वाई हो, तो ये हमारी टाइप नंबर 6 है। टाइप नंबर 5 पहले कंप्लीट हो चुकी है, तो इसमें दे रखा है कि 2 वर्ष, यहाँ 2 वर्ष का कोई वो नहीं है, 2 की जगह कितने भी वर्ष हो सकते हैं, उस पर साधारण ब्याज अक्स तथा इसी धन पर इतनी ही दर से इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज हमें वाई प्राप्त होता है, तो वह धन क्या होगा, हमें वो निकालना है। इसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4,000 रुपये है, उसी धन पर इसी दर से इतने ही समय में चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। हमें यहाँ साधारण ब्याज दे रखा है, तो अब हमें यहाँ चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। इस पर तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जब हमें साधारण ब्याज दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, तो हम इससे इन तीनों से हम मूलधन निकाल लेंगे। तो मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मूलधन बराबर में साधारण ब्याज इंटू में 100 बटे में समय इंटू दर। तो हमें साधारण ब्याज दे रखा है 4,000 इंटू में 100 बटे में 2 इंटू 10, तो हमने इसको 1 0 से 1 0, ये हो गया 200 को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास मूलधन क्या आ गया, मूलधन आ गया हमारे पास 20,000। अगर हमारे पास मूलधन आ गया, तो मूलधन आने के बाद में हमें दर दे रखी है, समय दे रखा है, तो हम इसका चक्रवर्ती ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे इसका चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू में 100 प्लस दर बटे में 100 की पावर समय माइनस मूलधन, तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज निकलता है। तो मूलधन है हमारे पास 20,000 इंटू में दर है हमें 10% दे रखी है, तो 110 बटे में 100 की 2 वर्ष का दे रखा है, तो पावर में 2 माइनस 20,000 इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज निकल के आ जाएगा। तो सिंपली 1 0 से 1 0 कटा दिया हमने, तो 20,000 इंटू 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10, 2 पावरों ने कहा है, इसको हमने 2 बार लिख लिया। अब हम सिंपली 2 0 से 2 0, 11 11 121 121 को हमने 200 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 24,200 रुपये, इसमें से हमें 20,000 माइनस करना है, तो हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज क्या जाएगा, 4,200 रुपये उस राशि का, यानी कि 20,000 का चक्रवर्ती ब्याज होगा जो हमें निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये टाइप भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। देखते हैं अगली टाइप। नंबर 7 है कि यदि कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में A1 हो जाता है, वही धन चक्रवर्ती ब्याज पर इसी दर से इतने ही समय में A2 हो जाएगा। तो हमें इतने ही यहाँ पर यह चक्रवर्ती यानी कि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में यह धन इतना हो रहा है, तो वह धन चक्रवर्ती ब्याज की दर पर इतने ही समय में और इसी दर से A2 होगा, तो वह इतना होगा। प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यदि कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 24 हो जाता है, तो वह धन चक्रवर्ती ब्याज पर उतने ही समय में उसी दर से कितना हो जाएगा। तो हमें ये दे रखा है यहाँ पे मिश्रधन, ये दे दिया हमने दर और 2 वर्ष समय दे दिया, तो हमें पता है कि हम मिश्रधन में से मूलधन निकालेंगे तो हमारे पास साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा, तो ये हमें दे रखा है मिश्रधन यहाँ पे, तो हम इसमें से मूलधन निकालेंगे तो हमारे पास साधारण ब्याज आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसको कि हमने मान लिया कि मूलधन है एक्स, तो हम पहले इसका साधारण ब्याज निकालेंगे, यदि एक्स इंटू में 10% दे रखा है, 10 इंटू में 2 बटे में 100, और ये 2400 है मिश्रधन, और इसमें से अक्स मूलधन हमने माइनस निकाल दिया, तो ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। तो ये फॉर्मूला हो गया साधारण ब्याज का, इसे हमने निकाल लिया। उसके बाद में देखिए आगे, तो इसको हमने आगे किया, आगे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने 1 0 से 1 0 कटा दी और ये 10 इधर मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ 2x, और 2400 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 24,000, और ये हो गया 10x, यहाँ 10x था तो 10x बराबर में हो गया, ये 10 इधर जाएगा तो प्लस का, तो 12x बराबर में 24,000 हो गया, तो हमने यहाँ अक्स की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि 12 इधर जाएगा तो 12 का भाग देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2000, तो अक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2000, जो अक्स हमने माना था मूलधन, तो मूलधन हमारा क्या आ गया, 2000 रुपये आ गया। अब हमारे पास मूलधन आ गया, तो हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमने मूलधन इंटू में 10% दर दे रखी है, तो 110 हो गई, 100 प्लस R कर दिया, तो 110 बटे में 100, 2 वर्ष दे रखा है तो 2 पावर में आ गई, माइनस 2000, तो इसको हमने 0 से 0 और 11 11 को मल्टीप्लाई किया तो 121, और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 100 माइनस में 2000, 2 0 से हमने 2 0
काट दी, 20 को 121 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो गया 2420, 2420 में से हमने 2000 माइनस किया तो ये हमारे पास 420 यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, जबकि मिश्रधन हमारे पास ये आ ही गया, मिश्रधन हमें निकालना था। तो 2000 रुपये का मिश्रधन कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज तो हो गया 420, और मिश्रधन हमने चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन में जोड़ा तो ये 2420 रुपये ये इसका मिश्रधन होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। नंबर आठ है, टाइप नंबर आठ में कैसा क्वेश्चन बनेगा देखिए कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 8 गुना होगा, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। तो हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो चलिए समझते हैं आसान भाषा में इसको। तो हमें दे रखा है मिश्रधन का सूत्र होता है हमारे पास, मिश्रधन बराबर में मूलधन इंटू में 100 + r/100 की पावर समय। अब हम इसमें से मूलधन माइनस नहीं कर रहे तो ये हमारे पास मिश्रधन आ गया, अगर मूलधन माइनस कर देते तो ये हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आता। अब हमें दे रखा है मिश्रधन कि 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता, तो 4 गुना हो रहा है वो मिश्रधन ही हो रहा है, न कि मूलधन हो रहा है। तो मिश्रधन दे रखा है हमें कि 100 + r/100 की पावर 5 = 4 गुना हो रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 रख लिख सकते हैं हम, जब हम वापस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4 ही वापस आएगा। दूसरा इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि वह कितने वर्षों में 8 गुना होगा, तो 100 + r/100 की पावर t मान ली, हमें समय पता नहीं है, समय निकालना है, बराबर में 8। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि 2 × 2 × 2 = 8 होता है, तो ये 1 ये 2, तो 2 की पावर हमने 3 लिख दी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन का प्रयोग करके हमें इसका समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए कि समीकरण 1 की घात को 3 से गुणा और समीकरण 2 की घात को 2 से गुणा करना है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि घात को गुणा करना है, न कि समीकरण को गुणा करना है, घात को 3 से गुणा और दो समीकरण 2 की घात को 2 से गुणा करना है। तो हमने यहाँ इस घात को गुणा करना है, न कि इस समीकरण को 2 से, तो इसको हमने 3 से गुणा किया तो हमारे पास ये आ गई कि इस घात को कि 5 × 3 करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा, तो इसकी घात में हो गया 15, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो ये 1 हो गई हमारा पहला समीकरण। फिर क्या कर रहा है कि दूसरे समीकरण की घात को 2 से गुणा करने पर, तो इसको 2 से करेंगे तो ये इनटू में 2 जाएगा और इसको भी 2 से, तो ये हो गया 100 + r/100 की पावर 2t = 2 की पावर 6। अब आपको पता है कि आधार समान होने पर घातें बराबर हो जाती है, तो ये वाला आधार समान है, 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 आधार समान होने पर घातें बराबर हो जाती है। तो घाते बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो ये हमने इसको ऐसे रख लिया कि 15 = 2t = 2 की पावर 6 और 1 हमारा बन गया 2t = ये, तो ये दोनों घात समान है तो ये तो कट जाएगी और इसमें बराबर में ये दोनों रह जाएगी। तो हमने 2t = हो गया 15, 2t = 15 हो गया, तो हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो t = हमें 15 में 2 का भाग देंगे तो ये हो गया 7.5, यानी कि 7.5 वर्ष वह समय होगा जिसमें वह धन 8 गुना हो जाएगा, यह हमें निकालना था। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमें यही करना है, क्योंकि यह सब चीज़ें मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ट्रिक वाली चीज़ है जो कुछ ही समय के लिए याद रहती है, बेसिक चीज़ें लंबे समय तक याद रह सकती है, ट्रिक आज नहीं तो कल भूल जाते हैं, बेसिक चीज़ें आदमी भूलता नहीं है, तो यह सब चीज़ें बेसिक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली टाइप भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। टाइप नंबर 9 है, तो टाइप नंबर 9 है तो हमने इसकी टाइप 9 देख ली है, 9 टाइपों में जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सभी देख लिए, इसके माध्यम से हमने ये लास्ट टाइप देखेंगे। तो इन सभी टाइप में आप अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, टाइप इतनी ही बनेगी, इन्हीं इतनी ही टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारी टाइप नंबर 9 क्या दे रखी है कि ए ने 6800 रुपये उधार लिए जिनका ब्याज सहित 2 वार्षिक किस्तों में किस्तों वाला प्रश्न है में भुगतान किया जाना है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में दर के 12.5% यानी कि दर हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। हमें प्रत्येक किस्त की राशि निकालनी है, हमें मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है, 2 वार्षिक किस्तें मतलब 2 वर्ष दे रखा है, तो हमें यहाँ प्रत्येक किस्त की राशि निकालनी है। तो माना प्रत्येक किस्त की राशि हमने 100 रुपये मान ली और दर को हमने 16 कर लिया, तो हमने किया 12 × 24 = 25, 25/2% हो गई। अब हमें क्या करना है, हमारे पास होता है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है कि मूलधन इंटू में 100 + r/100 की पावर समय बराबर में मिश्रधन या दोनों किस्तों की राशि, क्योंकि हमें दोनों किस्तों की जो राशि प्राप्त होगी वह भी मिश्रधन ही प्राप्त होगी, क्योंकि दोनों ब्याज सहित हमें प्राप्त होगी, तो हम उसको मिश्रधन भी बोल सकते हैं और दोनों किस्तों की राशि भी बोल सकते हैं। अब हम इसको सोल्व करते हैं, हमने सोलो किया कि हमें मूलधन दे रखा है
ये अक्स हमने मूलधन दे रखा है हमें, तो मूलधन और ये अक्स इंटू 100 प्लस। अब हमने इसको क्या किया, क्योंकि अब हमें इसको करना ये है, हमने दोनों किस्तों की राशि क्या मानी है, हमें किस्तों की राशि यहाँ मानी है एक्स, तो हमने ये वाली टाइप मूलधन तो इस तरफ रख लिया, और इसको हमें इस तरफ ट्रांसफर करना है, इस तरफ ट्रांसफर करना है, तो इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये एक्स तो हो गई किस्त की राशि इंटू में 100, ऊपर आ जाएगा नीचे आएगा 100 प्लस आर, और ये पावर होगी समय। अब हमें क्या दे रखा है, अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 6800 रुपये मूलधन दे रखा है, किस्त की राशि हमें पता नहीं है एक्स, तो हमें निकालना है, और ये 100 प्लस दर में हमें दे रखी है 25/2% पहले वर्ष की पहली किस्त, और ये 100 प्लस 100/25/2 ये दूसरे वर्ष की किस्त हो गई। तो अब हमें इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए हमने इसको सोल्व किया, तो 6800 बराबर में एक्स इसको सोल्व किया तो ये 200 हो जाएंगे, 200 में 25 जोड़ेंगे तो 225 हो जाएंगे, और ये दो ऊपर जाएंगे फिर, क्योंकि 200 को यहाँ लघुत्तम लिया, तो ये हो गया 200 प्लस 25, तो 225, और ये दो ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएंगे 200। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो ये 200 225 ऊपर जाएंगे 200 हो जाएंगे। तो अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया इसमें, इसमें ये 425 कैसे आए, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कोष्टक के बाहर यानी कि 200/2 में 225 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा एक, और यहाँ पे बची 200/225। अब यहाँ लघुत्तम लिया तो 225 में से 225 में 200 जोड़ेंगे तो 425, नीचे 225, तो हमने इसको इस प्रकार सोल्व करके लिख दिया ताकि हमें आगे दिक्कत नहीं आए। आगे आगे क्या करना है, अब हमें यहाँ अक्ष निकालनी है यानी प्रत्येक किस्त की राशि निकालनी है, तो हम इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये उल्टे होके इधर आएंगे, तो 6800 × 25 225/200 × 225/425 ये आ गए। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, तो हमने सोल्व किया 25 × 9 में 225 और 25 × 200, 25 × 9 में 225 और 25 × 25 और 25 × 75, 25 × 25 बच गए 17, तो 175, तो 25 × 75 हो गए। अब हम इसको कट करेंगे तो 17 में 17, 17 × 34, 17 × 67, 17 × 64, 68, तो ये हो गया 400। अब इसको हम 8 × 40, 9 × 81, 81 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4085, यानी कि प्रत्येक किस्त की राशि हमारे पास क्या होगी, 4050 रुपये होगी। ये 4050 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, ये 0, ये 1 और ये 8, यानी कि उसे 6800 रुपये के 8100 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। ये जो अदर राशि है यानी कि 6800 तो मूल धन हो गया, और अदर है वो दोनों किस्तों पर ब्याज के रूप में वसूले गए, तो प्रत्येक किस्त की राशि हमारे पास 4050 रुपये होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी टाइप और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे ही पढ़ते रहे, मस्त रहे, जय हिंद जय भारत।